हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर इन लेसन वन। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अपार्ट फ्रॉम वेरियस करेक्टरिस्टिक्स, अ कंप्यूटर हैज आल्सो सम लिमिटेशंस एज लिस्टेड बिलो। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, करेक्टरिस्टिक्स के अलावा, बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। इनके अलावा कंप्यूटर के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो नीचे दी गए हैं, जो इस तरह से हैं। फर्स्ट है हमारी नो आईक्यू। नो आईक्यू का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर आईक्यू नहीं होता। दैट मीन्स जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है जिन्हें ह्यूमन बीइंग उसे देता है। जो इंस्ट्रक्शंस उसे दी जाती है उसी के हिसाब से काम करता है। वह अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन लेकर काम नहीं कर सकता। उसके आगे जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वह अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। वो उसी इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है जिस इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन उसको हम लोगों ने, यूजर ने फीड करी है। तो स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर इज अ मशीन एंड डज नॉट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ यूजर। अ कंप्यूटर इज ए मशीन। जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है एंड डज नॉट वर्क विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूजर। और यूजर की इंस्ट्रक्शन के बिना वह काम नहीं करती। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। यह पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग, मनुष्य पर निर्भर है। इन शॉर्ट शॉर्ट में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, द कंप्यूटर डज नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन लाइक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की तरह, मनुष्य की तरह यह अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता। नेक्स्ट है हमारा नो फीलिंग। जो नो फीलिंग का मतलब है, जो कंप्यूटर है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं होती। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, खुश भी होता है, दुखी भी होता है, हैरान भी होता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं होती। अ कंप्यूटर ऑल्सो डज नॉट हैव फीलिंग्स। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग भी नहीं होती, कोई टेस्ट भी नहीं होता और कोई नॉलेज भी इसके अंदर नहीं होती। इसके अंदर उतनी ही नॉलेज होती है जितना एक ह्यूमन बीइंग इसके अंदर डालता है। जो एक ह्यूमन बीइंग इसको समझाता है, जो इंस्ट्रक्ट करता है, उतनी ही नॉलेज इसके अंदर होती है। इसके अलावा इसमें कोई भी नॉलेज नहीं होती। इट इज़ ओनली ए प्रोग्राम्ड मशीन। यह एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं, जो प्रोग्राम्ड होती है। इसके अंदर प्रोग्राम किए जाते हैं, उन्हीं प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यह काम करता है। यह और बाकी किसी भी आधार पे काम नहीं करता। ठीक है जी। विच ओबेज द यूजर इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली। जो यूजर की इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली, ब्लाइंडली मतलब बिना कोई सोचे समझे, बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना अपना कोई दिमाग लगाए उनको फॉलो करता है। एंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूजर। और कौन सा यूजर उसे यूज कर रहा है इस बार की भी जानकारी नहीं होती। वो इस चीज का भी अंतर नहीं कर पाता कि यूजर कौन है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ केयर। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है सिर्फ, तो ये अपनी केयर खुद कर ही नहीं सकता। तो अ कंप्यूटर डज नॉट केयर इट सेल्फ लाइक यू कैन। कंप्यूटर हमारा जो है वो अपनी सेल्फ केयर, अपनी केयर अपने आप नहीं कर सकता जैसे कि आप लोग कर सकते हो। इट इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स फॉर दिस पर्पज ओनली। यह अपनी केयर के लिए पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट होता है? ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंट होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। और कौन कौन सी है? नो आईक्यू, इसका कोई इंटेलिजेंट कोटेशंस नहीं है। सेकेंड, नो फीलिंग, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती। और ये अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाता। दीज वर सम लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स को हम किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।